है कितने बच्चे पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट फाइव मतलब एक मोहिनी एक हम लोग दो और तीन और कभी तो आओ गुजरात में कभी तो आओ क्लास में एवरीबॉडी न्यू क्या नाम बेटा गौरव रविंद्र सर कुछ रिलेशन बाहर सब के जो बैठा है वो सर रविंद्र काम ज्यादातर ये तो प्रॉब्लम है ज्यादातर क्या हुआ दिखाई दे रहा है तो यस और नो में
जवाब दे सकते हो। उठो उठो तो पैर क्या पैर हमेशा कहता हूँ दो उंगलियां ये नहीं तो उंगलियां बहुत लंबी लंबी होंगी बिना आंटी की उंगली है काफी लंबी लंबी और फिर भी मेरे कंट्रोल में है एक उंगली मेरे नाक के अंदर डालता हूँ बहुत अंदर उसे मुंह के अंदर डालता हूँ अगर वो पाइप दोनों जहां पर मिलेंगी दोनों जहां पर मिलेंगी दैट एरिया बेसिकली इज माय पैरिनाइज। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम साइज बना के दिखाऊं ये मेरा नेसल चेंबर है ये मेरा बक्सल कैविटी है और ये जो कॉमन पार्ट है ये कॉमन पार्ट जो है वो पैरिंग है नाक से आने वाला जो पैरिंग है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं नेस नेसो पैरिंग और ये मुंह वाला जो है इसको हम लोग प्यार से कहेंगे कोई ओरो पैरिंग दिखाने पड़ता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर हवा और एयर का हवा रहते हैं हवा खाने का कॉमन पैसेज जो पैरेंट है दोनों यहाँ पर मिलने वाले पैरेंट और अगर मैं तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है जैसे कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड और दो पैरेंट्स में डांस बात करूंगा सर एक होता है मेसो पैरेंट जो नाक से जो पैरेंट होता है दूसरा होता है ओरो पैरेंट और सिर्फ मेरे में तीन ज्यादा है आई वुड राइट दिस एज वेल लैरिंग जो या हाइपो पैरेंट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है बाकी बच्चों के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर हवा और पानी पानी पी हवा और खाना साथ में आता है काफी अच्छा फाइन ना हो अगर मैं थोड़ा आगे अब मैं मजाक करने में डायग्राम बना रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है एक्चुअल डायग्राम लीजिए यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ अलग दिखाने वाला हूँ समझो ये मेरा पैरेंट है यहाँ से दो ट्यूब निकल छोटी छोटी दो ट्यूब निकल तो छोटे ट्यूब निकलेगी एक का नाम है गलत दूसरे का नाम है ग्लॉटस ग्लॉटस फाइन नाउ गलत से एक लंबी ट्यूब जाएगी नीचे फाइन उस लंबी ट्यूब का नाम है साइंटिफिक नेम ऑफ कोर्स इज ईसोफेगस सिंपल भाषा में अन्न नलिका फाइन और ग्लॉटिस में पहले लैरिंग्स आता है तो लैरिंग्स दिखा देता हूँ लैरिंग्स आएगा पहले लैरिंग्स के बाद ट्यूब आएगी ट्यूब का नाम है विंड पाइप प्रथम नलिका लेकिन साइंटिफिक नाम है प्यार तूने ट्रैक किया खाना कोई जगह नहीं जाने देगा और कोई जगह नहीं खाना सर हवा निकलेगी प्रॉब्लम नहीं
डॉपलर न्यूक्लियर नाक और मुंह दोनों में से फैल जाते हैं। कोविड अस्पताल तो वापस एक बार बोलता हूँ, अभी मैं वहां पर लिख रहा था, लोग बोलते थे वो ऐसे के आ रहे हैं, कन्नड़ में मेरा माफ करना भाई। तो ऑलवेज से यहाँ पर मैंने काफी सारे प्रोफेसर देखे हैं, क्योंकि बाहर मैट लगा रहा था। फाइन, तो जो बाहर जो बोर्ड लिखता है इंसान, सब कन्नड़ में बोर्ड लिखता है। तो इसमें नोटिस बोर्ड बाहर को सर लिखता है। फाइन, मेरे को नहीं जानता। अरे बस और 10 मिनट होते तो हम लोग चाय ले लेते। फर्स्ट टाइम बेटा जब पहले आया हो हाथ में क्या करना बेटा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में चलती है? अरे कहाँ मेरे हाथ में नहीं, क्या हो क्या हो क्या हो बोले लंबा सा पाइप है, यहाँ से फायरिंग से निकलेगा 25 सेंटीमीटर का, यहाँ से जाएगा, फाइन, इधर जाएगा, यहाँ पे डायफ्राम नाम की चीज है, मसल का पट्टा रहता है, उसको फाड़ के जाएगा, एक्चुअली फाड़ के जाएगा, होल मारेगा, फाइन, और फिर लेफ्ट की तरफ, फाइन, एंटर स्टमक, फाइन, तो और एक्सट्रीमली मस्कुलर है, बहुत ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन मस्कुलर बाद में देखूंगा, तो अराउंड 25 सेंटीमीटर का आता है। और क्या बोला मैंने, स्टार्ट फ्रॉम पैरिंग, पैरिंग से चालू होता है, डायग्राम में छेद डालना एंड जॉइन सिंगुलर स्टमक, एंड वेरी 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 इट्स 25 सेंटीमीटर वेरी वेरी मस्कुलर ट्यूब दो टाइप के मसल्स, मस्कुलर ट्यूब है, दो टाइप के मसल है, थोड़े राउंड राउंड मसल है, थोड़े लंबे लंबे मसल है, दो टाइप के मसल है, सर्कुलर मसल है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। तो करेगा क्या, ये खाने को सर्कुलर मसल ऐसे दबाएंगे, लॉन्ग मसल नीचे के तरफ, ऐसे नीचे तरफ, ऐसे नीचे तरफ, फाइन। बेसिकली करता क्या है, कंडक्ट फोर्स
मोर याद रखना है आपको 12 के एंडिंग तक वापस ये वर्ड आया टेन थर्टी लगा था दोनों को साथ में और कितने लोग आने वाले हैं जिनको टेन थर्टी लगा तो इलेवन ट्वेल्व नहीं लगा ना सी भाई और बहनों अदर आई कैन अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन बिकॉज बाकी प्रोफेसर वाले टाइम में लेकिन अलग है आई कैन अंडरस्टैंड आपका गलती नहीं है जो लिखा है फाइन बाकी लोग का टाइमिंग अलग है मेरा टाइमिंग अलग है फाइन बिकॉज आई हेट मेरा साढ़े आठ से दस और दस से साढ़े ग्यारह किया हुआ बिकॉज आई नहीं लेता फाइन तो अब एक वर्ड बताऊंगा ये वर्ड 12 के एंडिंग से नहीं बोलना है कंडक्ट फूड बाय पेरी पेरी साथ ये वर्ड मत बोलिए हमें मतलब कैरी करता है फूड को पेरी साथ छोटे छोटे आपके लिए टूथपेस्ट अब होती होगी सब लोग ना कि कुछ मंजन मंजन वाले भी हैं फाइन ओके खत्म होती है ना क्या करते हैं थोड़ी सी बाहर आती है एक्शन नो स्मॉल 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 कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ध्यान नहीं होता और भी काफी जल्दी पे होने वाले वैसे वैसे आप अलग अलग जगह पढ़ोगे स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन लास्ट टाइम हम लोग ने ए माउथ किया था और बी बक्सल कैविटी किया था मैं वापस एक बार बोलूंगा मराठी मीडियम हिंदी मीडियम वालों को इसमें तो है ही है लेकिन मराठी हिंदी मीडियम अगर कोई भी वर्ड भी नहीं समझेगा फाइन शर्माने का नहीं है शर्मा में तो रह जाओ तो पैसा मिलता समझाने का मैं दस बार समझाऊंगा लेकिन तो डेटा है पैरिंग इज अ कॉमन मैथ फॉर फूड एंड नाप से करेंगे तो उसको नेसो पैरिंग कहते हैं मुंह से करेंगे उसको ओरो पैरिंग कहते हैं और लास्ट पार्ट डाइन जो पैरिंग है फूल और एक कॉमन पैसेज है आपको डायग्राम में मालूम पड़ जाएगा पैरिंग जो बीच वाला पार्ट दिखा कॉमन पैसेज है नाप और मुंह दोनों साथ में जॉइंट है और इसको फेस स्टॉप थी ये लिया नंबर 2 का रजिस्ट्रेशन में तो फुल पैरिंग करता है
Are we done? Can we go ahead, please? I'm wanting 5 of the board. 4, 3, 2, 1. Next part after ये आपका तो फिक्स हो गया that one को पार्टी मतलब बड़ा डायमीटर नहीं होता है. हम बात करते हैं बहुत बड़े पार्टी की. कुछ लोगों में बहुत बड़ा रहता है fine. Now बचपन से ये हर एक की माँ का होता है. देखा है काफी सारी माँ लोग क्लस्टर है. उनका बेटा बहुत स्मार्ट है. बच्चा बेटा बेटी बहुत है. बच्चा बहुत स्मार्ट है. हर माँ को लगता है. मैं मेरे क्लास क्लासेस में चला है बहुत साल. तो क्लासेस में बच्चा माँ आती है बोलती है मेरे मेरे बच्चा ना बहुत होशियार है सिर्फ पढ़ता नहीं. मतलब बहुत मन होता है बोलने का मार्ट मार्ट दम पे तेरा बच्चा मंद है. तेरा बच्चा इसलिए उसको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. गंदा है हाँ बोलना पड़ता है. फाइन कुछ करो ठीक है. ये है माँ मेरे माँ को भी लगता था मैं कुछ करो फाइन. अनफॉर्चुनेटली उसको लगता था ताकि नहीं पता. ये आपके साथ हुआ ना बचपन में क्योंकि अभी भी होता है मेरे साथ अभी भी होता है. फाइन My mother loves to कोई आएगा तो समझो तो मेरी माँ करो बचपन से आ रही थी कि कल जो पार्टी है या शादी है या कोई मेहमान घर पे है ना मेरे को खड़ा करने का बीच में मंगे तुमको एबीसीडी पढ़ के दिखा नहीं बोलना पर तो तेरे को मैं वेरी 2-3 साल तक 5 साल नर्सरी में चला गया
डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन के लेफ्ट, ये पूरा एब्डोमेन। फाइन, जे शेप समझ में आ गया। मसल तीन टाइप के मसल थे इसमें, इसमें थोड़े से सर्कुलर मसल रहते हैं, इसमें थोड़े से लंबे लंबे मसल रहते हैं और इसमें थोड़े चेहरे वाले मसल भी रहते हैं, प्लांटिंग वाले मसल रहते हैं। खाली खाने का तो बुलेट मिलेगा।
टेबल से बंद स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है चरना, नॉट डाइजेशन, नॉट डाइजेशन। स्टमक का काम है चरनी। स्टमक का थोड़ा फंक्शन की बात हो तो स्टमक बेसिकली चर्न फूड, चर्न फूड एंड कन्वर्ट फूड इनटू साइन। मतलब क्या है कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मटर पनीर है और पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है, मैंने खा लिया, उसके अंदर जो है पानी पी लिया, मैं चला गया स्टमक में, गया स्टमक ऐसे का मिक्सर है। पूरा पेस्ट बन जाए, पूरा पेस्ट आपने जो खाया वो चलेगा, बेसिकली कंप्लीट पेस्ट बन जाएगा। आपने मटर पनीर खाया है, आपने वेजिटेबल पुलाव खाया है, चावल है, मटर है, पनीर है, गाजर है, पलसी है, कॉलीफ्लावर है, पूरा पेस्ट आपने देखा है इसको, दैट इज द टाइम। तो बाहर आते ना उल्टी में, उसको टाइम कहते हैं। मतलब उल्टी आपने कभी देखी रहेगी आपने कुछ की, फाइन, आपने खाया कुछ नहीं रहता, उल्टी में क्या पूरा लिक्विड रहता है, बेसिकली टेस्टी लिक्विड रहता है, फाइन। तो सबको चावल अलग, बाजरा अलग, चलिए कभी कभी मटर पटर दिख जाते हैं, चले नहीं क्या 120 रुपए किलो है, देखोगे क्या? और सी नहीं उल्टी, सी तो अलग चले जाती है, उसे मत ले लो। पहले बोल चुका है, बालाजी पढ़ा रहा हूँ, बालाजी में सी और ई तो होता ही नहीं, बालाजी ऑलरेडी इज डिस्गस्टिंग, फाइन। तो उसमें अभी तो न्यूट्रिशन है, आगे जाकर तो मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, डॉक्टर का एक्सप्रेशन जो उसको कैसे बनती है वो पढ़नी है, तो डोंट मेक नथिंग डिस्गस्टिंग, फाइन। बालाजी है भाई, फाइन, काइंड काइंड। तो काइंड बेसिकली इज दैट पेस्ट इज मेड ओवर हियर, कंप्लीट पेस्ट है, उल्टी में बाहर निकलती है, फाइन। तो गंदगा कटारी भी थी, तो बहुत लोग जाकर मटन बिटन बना रहे हैं, फाइन, जो लोग कटारी मनाते हैं, फाइन। मैं दानोली में गया, रेस्ट में तो दानोली है, दानोली, तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग अगर देखते संडे को बहुत सारा खाना मिलता, बहुत बंदे तो लोग खुश से खा लेते संडे को, जो लव खा लेते, तो कभी कभी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, कभी कभी बहुत रेयरली खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया, खाना ऊपर क्यों हुआ है, कभी कभी ये नीचे जाता है ना, चर्मिंग चालू होने से पहले बंद हो जाना चाहिए, नीचे गए नीचे का ढक्कन है, नीचे का ढक्कन नहीं बंद किया तो फास्ट फूड उड़ जाता, खाने को ऊपर नहीं आने देगा, खाने को बिल्कुल ऊपर नहीं आने देगा, पर रेयर भी कभी ना कभी अगर बहुत ज्यादा खा लिए तो ये बंद होने पर जगह ही नहीं रहती, कम था पाइन फूड यहाँ पर उठ जाता, कुछ बना टर्न कर लेंगे बाद में आगे बेचते, बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ओके। तो काइंड बनेगा ये क्यों है, जब तक पूरी की पूरी काइंड नहीं बनती, पूरा पूरा खाना टर्न नहीं होता, तब तक खाने को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अगर काइंड नहीं बना तो डाइजेशन बराबर से नहीं होने वाला, खाना वैसे के वैसे बाहर आ जाएगा, बॉडी को मिलेगा नहीं, खाना खाएंगे बॉडी को मिल ही नहीं वाला, टाइम बनना बहुत जरूरी है, फाइन। सो पावर फिल्टर विल अलाउ ओनली टाइम टू गो टू डुओडिनम, डुओडिनम इज द नेक्स्ट पार्ट, इंटेस्टाइन का पहले पार्ट को डुओडिनम कहते हैं, वहां पर से टाइम को ही अलाउ किया जाएगा नॉर्मल खाने को, क्लियर है? तो ये है आपका एक्चुअली इस तरह से करना है, इसको बोल देता हूँ कि अंदर ना स्टमक के अंदर पूरा लाइनिंग रहता है,
अगर ये समझ आपने अपने किताबें आपकी किताबें आपकी बैगों के ल्यूमेन में भर के रखी है। हम लोग इस क्लास के ल्यूमेन में बैठे हैं, अंदर का खाली जगह, अंदर का खाली जगह क्लियर है। तो ये समझ, ये ल्यूमेन आना यहाँ पर आएगा, आना यहाँ पर आएगा, बाहर और अंदर इसी दिन प्लास्टिक कोटिंग में सेम थिंग चमक को भी बाहर से और स्पेशली अंदर से फाइन एक म्यूकस मेम्ब्रेन का लाइनिंग रहेगा, म्यूकोसा कहते हैं, म्यूकोसा क्यों रहेगा, एक खाली की वजह से ये चमक में एचसीएल रहता है उसके वजह से ये खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, फाइन म्यूकस का लाइनिंग रहता है। काफी सारे सेल्स रहते हैं चमक के अंदर जो एचसीएल बनाते हैं, कुछ एंजाइम बनाते हैं, सो आई कैन से वेरी मच सो ऑक्सिलिक सेल्स नाम के सेल्स है, पेप्टिक सेल्स नाम के सेल्स है, कैप्सूल बनाएगा, पेप्टिन बनाएगा, बट आई डोंट थिंक मैं वो यहाँ पर करूंगा, मैं इस्टोलॉजी में वहाँ का एक पार्ट करने वाला लेते हैं, इस्टोलॉजी पर सेल स्ट्रक्चर उसमें मैं करूंगा, आई विल स्टॉप दिस।
So the number is for missing or it doesn't matter if it moves or deleted. I have been raised in a certain place. My house, I'm a Goan basically. So fish is something we eat normally. Chicken, but to get my dad. Also, in France, so after that, fish and friends. So poor for something I see. Fine. Ham I have eaten sometimes. Sorry, that's a Muslim thing. Fine. I tend, मतलब इस offline चलो online में कैसा मेरे एक दिन मालूम नहीं जाता एक दिन यादव भी जाता है मेरी है. तू हिंदू है तू उसी में तू साथ में कैसे रहता है घर पे जी जी एक बैग में थोड़ी है तो बैग ही एक बैग हाँ तो एक ही घर पे कजिन तुझे तो भाई हो एक ही लड़के आते हो एक ही बैग लेकर आते हो वेल बी डेयर टू स्टे हमने ऐसा बना पानी पीना लोग पानी अपना पानी अपना खाना मत I was in my class in the 12th में बहुत ही नस्ती तो हमारे I don't know आपने मिलता है कि नहीं डॉलर कोला करके टॉपिंग डॉलर कोला टॉपिंग ना बॉफिंग बॉफिंग इसका तो लेकिन कोला कोला करता डॉलर कोला करता उसका डॉलर क्या फाइन तो मैं वो लेके आता था और फिर जब नींद ना चलो गया मैं मुंबई आके मजा करता था एटलीस्ट मैं उससे फोकस करता था तो आती नहीं रहती छोटी छोटी कौन वाला पार्ट करना है फाइन तो एनीवे ये आन है छोटी आ सकती है स्मॉल इसे डायमीटर का नाम है डायमीटर स्मॉल है इसमें स्मॉल कुछ है नहीं 6 मीटर से भी ज्यादा है 6 मीटर से भी ज्यादा है मतलब 20 फुट से भी लंबा है 20 फुट से लंबा फाइन स्मॉल इंटेस्टाइन काय को स्मॉल रख सकता है फाइन ऐसा कुछ नहीं बर्तन में उनकी मां होती रही अंदर तो कुछ ना मैंने छोटा बोल दिया स्टमक फाइन तो अभी स्टमक को निकल गया लेकिन स्टमक ना स्टमक में यहाँ से सी शेप का चालू होता है यहाँ पर दो ओडिनम ये वाला दो ओडिनम है तो यहाँ पर नीचे ऐसे ना फोल्ड तो फिर साड़ी रेडी की है ऐसे फोल्ड मारो माय पॉइंट
पॉइंट स्मूथ हो गया। तो यहाँ पर काफी सारे फोल्ड है। पहला जो अराउंड 2.5 मीटर उसको जेजुनम कहते हैं, मराठी वर्ड है ये जेजुनम। और बाद में लीलियम है, लीलियम तो तीन पार्ट है, 6.5 मीटर का, 6.5 मीटर लॉन्ग, मतलब तीन पार्ट वो भी ना उसी टी शेप का है और अराउंड 25 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद जेजुनम जो 2.5 मीटर लंबा और बाद में लीलियम 3.5 मीटर लंबा है, ये दोनों ही 6 मीटर लंबे हैं। फोल्ड करके नहीं रखा, उसके साथ में ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स है और सबको एक टिश्यू में बांध के रखा है। टिश्यू का नाम है मेसेंटरी। शब्दों पे ध्यान दो, मेसेंटरी, बाकी जो था बाकी तो आते रहते हैं। मैं ये कोई ज्यादा शॉर्ट नोट मारता हूं तो आते रहते हैं, तो नीड कर रहे हो तो हमेशा शब्द लगे। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं आज आज के लेक्चर में तो ओरोफैरिंग, नेसोफैरिंग, लैरिंगोफैरिंग, एपिग्लॉटिस, गैलेटन ग्लॉटिस, इसोफेगस प्रेशर, शब्द वर्ड 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 ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसेंटरी फाइन ओके। मेसेंटरी इज आर हेड मेसेंटरी अलोंग विद ब्लड वेसल्स
ऊपर जाने वाला सामने वाला पूछना सिंपल ऐसा फाइन करता क्या कोई कोलन से पहले बात तो मैंने यहाँ पर इस चीज लिखना चाहिए था आपने खाना खाया फूड खाना चबाया सलाद के साथ मिक्स किया वो जो बोला बना मुंह के अंदर उसको बोलस कहते हैं बोलस BOLUS वो गया नीचे समय में पूरा चर्न हो गया क्या नाम था उसका सी से काइन वाज काइन काइन इंटेस्टाइन में गया डाइजेस्ट हो गया ग्लूकोज बना अमाइनो एसिड बना फैट्स बना एब्जॉर्ब किया गया अब जो बचा है उसमें दो ही चीजें जो पचा नहीं वो बचा फाइन अनडाइजेस्टेड फूड एंड लॉट्स ऑफ वाटर जो बॉडी को चाहिए था बॉडी ने सब ले लिया अब जो बचा है नॉन पचा हुआ फूड जो पचा नहीं है वो वाला फूड अनडाइजेस्टेड फूड एंड पानी ये काइल आएगा इधर और ये क्या करेगा पानी तो बॉडी को चाहिए ना अब भी नीचे तो बाद में चाहिए बाद में कुछ पानी को बाहर नहीं जाने देगा ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा ये एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम पूरा पानी को एब्जॉर्ब करके ब्लड को वापस दे देगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी बाहर नहीं जाना चाहिए अगर कोलन में इंफेक्शन हो गया अगर कोलन में बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो गया अगर कोलन में अमीबा का इंफेक्शन हो गया तो आपको हो जाता है पानी बाहर जाए आपका ये लिक्विडी हो जाएगा लूज मोशन हो जाएंगे आप तो ये लिक्विडी हो जाएगा और आपको जुलाब हो जाएंगे बेसिकली प्रॉब्लम